बड़ी ही कृपा है कि हम लोगों को उन्होंने वैष्णव संग दिया। वैष्णव का मतलब होता विष्णु के, भगवान के, हरि के जन, वैष्णव जन। शैव जो शिव जी के, शाक्त जो माँ देवी की उपासना करने वाले, अभी नवरात्रे आने वाले ना, सब देवी के हो जाएंगे, बड़े धार्मिक बन जाएंगे सब लोग, प्याज भी नहीं खाएंगे, माता रानी को भोग नहीं लगता। जिस माता रानी को प्याज का भोग नहीं लगता वो मांस खाती है क्या? उनको बलि चढ़ाई जाती है। माता के दो स्वरूप हैं, एक जगत को शासन करने वाला, एक भगवान की भक्ति करने वाला। जो जगत शासन का रूप है वो देवी भगवती का जो रूप है, उसमें वह रक्त बीज का जब रक्त पीने लगी तो असुरों ने सोचा कि ये रक्त पीने की लालसा है इनकी। ऐसा नहीं है, जब ज़्यादा ही पाप बढ़ जाता है तो पाप को पीती है माता। जैसे बच्चे बहुत उत्पात कर दें, घर में गंद मंद मचा दें तो माता सफाई करती है ना, तो वो सफाई अभियान के अंतर्गत उनके पापों को ख़त्म करती है। शाक्त हैं वो लोग, वैष्णवों का संग मिला, ये हमारा परम सौभाग्य है। जो शक्ति को शक्ति के स्वरूप में, शिव को शिव के स्वरूप में, भगवान का अनुगत जन और सेवा के सर्वश्रेष्ठ उपासक समझते हुए भगवान की सेवा करते हैं। वैष्णव लोग शिव जी की उपासना, वैष्णव लोग माता रानी की उपासना जो करते हैं उसमें है, वैष्णव लोग उनका दर्शन इसी रूप से करते हैं कि ये भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। जब कंस ने यशोदा की कन्या को मारना चाहा था तो क्या हुआ था? आकाश में कन्या उड़ी, अष्टभुजा धारणी, खड़ग शंख चक्र हाथ में लिए हुए, क्या स्वरूप था उनका? दुर्गा जी का, है ना। भगवान ने उनको भागवत जी में पहले ही वर्णन है, उस योग माया को आदेश दिया कि तुम जाकर के जगत को मोहन करो। हम लोगों का सौभाग्य यह है कि हमें उन देवी का वह स्वरूप, जो स्वरूप भगवत सेवा में है, उस स्वरूप के प्रति प्रेम है, आदर है, भाव है कि उनकी कृपा के बिना कृष्ण कृपा नहीं मिल सकती। भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक भजन है कि हे देवी आप ब्रह्मांडोदरी हैं, हे कुल देवी योग माया, मेरे पे आप करुणा करें, कृपा करें, मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान करें। मैं पहली बार जब आसाम गया तो जाने का मौका नहीं मिला मेरे को गुरु जी को छोड़ करके कि कामाख्या का दर्शन करूं, लेकिन लालसा थी कि कामाख्या का दर्शन करूं, माँ कामाख्या का, जिससे बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े तांत्रिक वहां से सिद्धियां प्राप्त करके जगत को मोहित कर रहे हैं। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुजी मैं ऐसे ऐसे दर्शन करने जाना चाहता हूँ। गुरुजी ने बड़ी सुंदर एक
छोटी सी कथा का प्रसंग दो शब्दों में सुनाया। कहते गोप कुमार वहीं से सिद्ध हुआ था। तो गोप कुमार कौन था, प्रेत भागवतामृत में ये वर्णन है। गोप कुमार एक ग्वाले का बेटा, उसका नाम ब्राह्मण पुत्र, उसका नाम गोप कुमार, और वो माँ कामाख्या का उपासक। माँ कामाख्या ने उन्हें मूल मंत्र दिया जो दीक्षा में हम सबको मिलता है। उस मूल मंत्र की उपासना से उसने सिद्ध लोगों का दर्शन किया, उसने ध्रुव प्रहलाद का दर्शन किया, उसने हनुमान जी का दर्शन किया, उसने शिव जी का दर्शन किया, प्रैक्टिकल दर्शन। ऐसे कल्पनाओं में तो अभी मैं आपको बोलूं तो कन्हैया आ रहे हैं, ओह बांसुरी बजा रहे हैं, वो तो कुछ भी कल्पना करा दो, हम सब वो काल्पनिक प्रभु के स्वरूप में नहीं आकर्षित होते। साक्षात हैं, जैसे हैं वैसे आओ। ऐसा नहीं कि कुत्ता बन के वो नामदेव को धोखा दे के चले गए, ना। कभी किसी को कोई ब्राह्मण रूप से दर्शन, जा किसी को बालिका के रूप, ना। जैसे हो वैसे आओ, बाकियों को हम नहीं मानेंगे। तुम्हें बहरूपिया नहीं देखना चाहते, जैसे हो वैसे देखना चाहते, भले ही उसके लिए कुछ हो जाए, प्राण जाए जाए। क्या है प्राण, तो क्या है, शरीर ही छोड़ना है, कपड़े ही बदलने, बदल लेते हैं। तुम्हें ये नहीं अच्छे लग रहे, दूसरे पहन लेंगे। जिस भी कपड़े में ले जाओगे उसमें तुम्हें याद करेंगे। ये बात कहनी आसान लग रही है लेकिन लोगों के लिए मुश्किल है, हमारे लिए आसान है। जाओ ना तो ना से, इसमें नहीं मिलना, तुम्हें पसंद नहीं है, चल जो पसंद है उसमें भेज दे, तुझे ना छोड़ेंगे, तुमको आना ही पड़ेगा, जैसे हो वैसे ही है, ठीक है ना। भाव प्रबल होगा तो ध्रुव जी की तरह 6 महीने में भगवान उतर आएंगे, दर्शन दे देंगे। भाव प्रबल नहीं है, हमारे भाव में ना अभिमान छाया के रूप में आ जाता है, मान सम्मान आ जाता है, भाव खंडित हो जाता है। वो भाव की जो गाढ़ अवस्था वो पहुंच नहीं पाती, उसकी पहुंची, वो भगवान के वैकुंठ गया, ब्रह्मलोक वैकुंठ, फिर भगवान के गोलोक पहुंचा, गोलोक में शांत रस के भक्तों को मिला, दास्य रस के भक्तों को मिला, सख्य रस के भक्तों को जैसे मिला, सखाओं को, बस वहीं वहीं वो समर्पित हो गया कि बस यही मेरी जगह है। तो कहने का अभिप्राय, हम लोगों को जो वैष्णव संग मिला है, इस वैष्णव संग में देवी की जो देवी का दर्शन है, वो देवी का दर्शन टोटली अलग है। गुरु जी ने कहा गोप कुमार को वहीं से सिद्धि प्राप्त हुआ था। मैंने कहा ठीक है, बड़ी सुंदर घटना है, सुनाने से थोड़ी ऐसा लगता प्रतिष्ठा वाली भावना, इसलिए मैं पब्लिकली सुनाना पसंद नहीं करता, थोड़ी सी बात बोलता हूँ, इशारा देता हूँ। मरने के बाद प्रकाशित कर देना और नहीं, नहीं नहीं है कुछ ऐसे। वहाँ गया मैं, तो वहाँ जाने से पहले मेरे अंदर कोई मन में भाव विशेष नहीं था। दर्शन किया, बाहर बली बुली चढ़ रही थी, कट रहे थे, मन में बड़ा होगा क्या देवी माता तुसी भी बस उल्टे सीधे कम मज पाए हो, मारो 2-4 थप्पड़ खिचखिचा के ना दे, अपने आप सारे सूत हो जाएंगे। हाँ जैसे वैष्णो देवी में कोई बलि नहीं चढ़ाता, चढ़ाए तो उसको उल्टा लटका देती, ऐसे कर दो। मन में भावना लेके वहाँ बैठा, वहाँ कुछ घटनाएं घटी बड़ी दिव्य। तो वापिस आया, कुछ 2-4 लाइनें लिखी, हे दुर्गा दुर्गति नाशिनी
हे दुर्गा दुर्गति नाशिनी, बोलो हे दुर्गा दुर्गति नाशिनी, कृपा करो हे जग माता, हे दुर्गा दुर्गति नाशिनी, हे दुर्गा दुर्गति नाशिनी। ये पद मैंने गुरुजी को सुनाया था, हे दुर्गा दुर्गति नाशिनी, हे दुर्गा दुर्गति नाशिनी, कृपा करो हे जग माता, जग बालक को हरि भक्ति देकर, बालक को हरि भक्ति, पार करो माँ जग त्राता, पार करो माँ जग त्राता, पार करो माँ जग त्राता, हे दुर्गा दुर्गति नाशिनी, हे दुर्गा दुर्गति, कृपा करो हे जग माता, कृपा करो हे जग माता, बालक को हरि भक्ति देकर, पार करो माँ जग त्राता, कार करो माँ, पार करो माँ जग त्राता, कार करो माँ, तुम्ही महामाया हो देवी, तुम्ही महामाया हो देवी, जो जग जन को मोती हो, जो जग जन को मोहती हो, योग माया बन करके मैया, कृष्ण भक्ति भी देती हो, कृष्ण भक्ति भी, कृष्ण भक्ति भी, कृष्ण भक्ति भी देती हो, भी देती हो, कृष्ण भक्ति भी देती हो, मुझको भी मैया जी दे दो, मुझको भी मैया जी दे दो, मुझको भी मैया जी दे दो, मुझको भी मैया, मेरे गुरु चरणों में सहारा, गुरु चरणों में सहारा, गुरु चरणों में सहारा, गुरु चरणों में सहारा, हे दुर्गा दुर्गति नाशिनी, कृपा करो हे जग माता, बालक को हरि भक्ति देकर, पार करो माँ जग त्राता, 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 जग त्राता, पार करो माँ जग त्राता, पार करो माँ जग त्राता। मैंने कलकत्ता वापस आकर के गुरु जी को ये भजन सुनाया, गुरु कहते हाँ वही तो गोप कुमार को गोलोक धाम लेके गया। तो हम लोग जो वैष्णवों का दर्शन है ना, उसमें चाहे कोई देवी है चाहे कोई देवता है, वो कृष्ण सेवा के सहायक है। व्रत किसी का अलग से नहीं करते, किसी का व्रत अलग से नहीं करते, कृष्ण का श्री राधा जी का व्रत करने से ही सभी देवियों का, कृष्ण का व्रत करने से सभी देवताओं का व्रत हो जाता है। इसीलिए जब कोई हमारे सामने से संसारिक व्यक्ति गुजरता है जिसने हमको 2 लाख 1 लाख रुपया दिया है, उसके आगे हम कैसे बोलते हैं, आपके ताबेदार हैं जी, बोलते नहीं बोलते, ये देवी देवताओं ने हम लोगों को मनुष्य जीवन दिया, उसमें हम लोगों को रहने की सुविधा दी, अपने देश में रहने की जगह दी, उनका धन्यवाद भी नहीं करेंगे,
उनसे प्रार्थना भी नहीं करेंगे कि आप भगवान के बड़े प्रिय हो, आप भगवान की सेवा में हो, मेरे को भी सेवा प्रदान करो, नहीं बोलेंगे। कई तो ऐसे ऐसे क्या बोलो मूर्ख लोग हैं, वो कहते हैं हम देवी देवता का माथा का ऊपर पार रख के चला जाएगा। सुन रहे हैं गोपाल प्रो, यही देवी देवता का माथा के ऊपर पार रखे, इतना गंदी बात बोलते कि देवी देवताओं के सिर पे पैर रख के चले जाएंगे। मूर्ख लोग हैं। भगवान शिव कहते हैं कि मेरे आराध्य राम हैं, इसलिए राम ही केवल मात्र ईश्वर हैं, रामेश्वरः, ठीक है। और राम जी कहते हैं शिव ही मेरे ईश्वर हैं, इसलिए राम के जो ईश्वर हैं वो शिव हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे सुदामा के चरणों को धो करके हमारे गोविंद ने पिया, अच्छा बताओ शिव जी के चरणों को धो के पिया कभी? दुर्गा जी के, मैं तो यहां तक कहूं श्री राधा जी के चरणों को धो के पिया? नहीं। इन प्रैक्टिकल देखो तो मूर्ख लोग ये सोच सकते हैं, या ज्यादा बुद्धिमान जो होते हैं वो ये सोच सकते हैं कि सुदामा का भजन कृष्ण के भजन से भी श्रेष्ठ है, सोच सकते हैं ना, क्या ये बात सही है? भाई चरणामृत पिया भगवान ने, सुदामा जी का ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे सोचने से नहीं होगा। भक्त को भगवान अपने मस्तक पे रखते हैं, जहां बोले वहां चल देते हैं। तो भक्त जिस प्रकार भगवान के आराध्य हैं, ऐसे भक्तों के आराध्य भगवान हैं। सारे देवी देवता शिव के अधीन हैं, सारे देवी देवता शिव के अधीन हैं। और शिव जी पार्वती जी को कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा मैं तुम्हें अपना अनुभव बताऊं, कहते आपके अनुभव की कोई जरूरत नहीं, अपने पास रखो। अरे सुन तो सही भगवान, काहे की भगवान, अरे सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, तारकासुर को मारना है। किसको मारना है? तारकासुर को मारना है, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, आप तो मुझसे प्रेम ही नहीं करते। बच्चों को जन्म देना होगा तो आपके अंश से मरेगा वो, उसने वर भी मांगा, भोले बाबा से ही मांगा तारकासुर ने। बड़े प्रसन्न हो गए बाबा, कहते हाँ मांग, क्या वर मांगता प्रभु, आप दुनिया में मेरे को कोई भी ना मारे, हे नाथ आप मेरे हो, जब चाहे आपका अंश ही मुझे मारे, जाओ। शिव जी भोले बाबा कहते जा, तू मेरा है बस, तू मेरा ही है, जा मस्त। अब शिव जी का अंश बच्चा हो तब तो शिव जी का, लो तारकासुर सबके सिर के ऊपर नाचने लगा। सारे देवताओं ने बोला मां भगवती आप दोनों के अंश से ही इसको मार सकते हैं, शिव के अंश से शिव जी का। देवी ने कहा कोई बात नहीं, अगर वो नहीं मानते तो उन्होंने अपने आप गणेश जी को प्रकट किया, अपनी त्वचा से, अपने तपस्या की जो मट्टी है जो लगी हुई थी उसी से उन्होंने गणेश जी को प्रकट किया। बड़े सुंदर थे गणेश जी, ऐसे सूंड वाले नहीं थे, तो बाद में हुए, बड़े सुंदर थे। जाओ बच्चे तू मारो, और गया लड़ने के लिए। कई कोई परशुराम जी के साथ की बात करते हैं, अलग अलग कल्प में अलग अलग बात है। तो तारकासुर के पास गया, तारकासुर ने मारा, ऐसा एक दांत तोड़ दिया। कोई कोई परशुराम जी से इस बात को बोलते हैं, ये दोनों घटनाएं अलग अलग कल्प की हैं, अलग अलग युगों की।
वापस आ गए। देवता घबरा गए, भैया जी तो शिव जी के अंश से ही होगा। और शिव जी को मैया पार्वती बोलने लगी, प्रभु कृपा करो। शिव जी ने कहा, उमा एक बात कहूँ क्या? मेरा अनुभव है, तो अपना अनुभव अपने पास ही रखो, हमें तो कोई संसारिक अनुभव ना मिला, हमें भी भजन कीर्तन में लगा रखा आपने। कहते सत्य तो यही है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। माँ ने मान लिया, भगवान शंकर जो है पंचमुखों से, पांच मुख हैं उनके, हरि कथा सुना रहे हैं, पंचम वेद सुना रहे हैं, चार वेदों की कथा सुना रहे हैं, उसी में प्रमत्त हैं। देवी भी कहती जैसे मेरे प्रभु संतुष्ट। इसके बीच में भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी रूप को देख करके पार्वती को भूल करके ठाकुर जी के पीछे पीछे भगने लगे। जानते हैं ना मोहिनी रूप की कथा? नहीं मालूम? वो देवासुर संग्राम हुआ था, जो देवताओं को अमृत पिला दिया धोखे से मोहिनी रूप धारण करके, शिव जी ने विषपान किया, वो सारा कथा है ना। तो नारद जी जो है कहते, यार ये बड़ी गजब की बात, एक को विष पिलाया वो तो वहीं पड़ा हुआ है अमरकंटक में है, और यहाँ पे देवताओं को अमृत पिलाए जा रहे हैं, अपना रूप दिखाया नहीं। बड़ा करके नारद जी वहां गए, कहाँ, जहाँ शिव जी महाराज विराजमान है, अमरकंटक और कैलाश और अमरनाथ। प्रभु कहते क्या कर रहे हो? कहते आज ऐसा रूप देखा, कहते क्या, इतना सुंदर रूप ठाकुर जी ने धारण किया, मोहिनी रूप। मोहिनी रूप? हाँ, अरे पार्वती जी कुछ भी नहीं, लक्ष्मी जी तो कुछ भी नहीं, स्वयं भगवान अगर मोहिनी रूप धारण करें कितने सुंदर लगे। अच्छा, तो शिव जी भगवान के पास गए, कहते आपने मेरे को विष पिलाया? कहते नहीं, आप समर्थवान हैं इसलिए, नीलकंठ आप हैं। कहते वो तो ठीक है, लेकिन अपना मोहिनी रूप दिखाओ ना, मेरे को भी दिखाओ ना। कहते भैया सब मोहित हो गए, तुम भी मोहित हो जाओगे, काहे के चक्कर में पड़ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, 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 मोहिनी रूप दिखाओ ना, मैं भी देखूंगा। भगवान कहते छोड़ो ना उसकी बात को। बात करते करते दोनों जने उपवन में आ गए, जंगल में घूमते घूमते पृथ्वीलोक में आ गए, और मैं जगह का नाम नहीं जानता जहाँ पे कार्तिकेय का जन्म हुआ है। कहाँ हुआ? साउथ इंडिया में है कहीं, भूल रहा हूँ, जहाँ पे जाने के लिए अभी स्त्रियों ने प्रवेश मांगा था ना, वो जगह, तो जो भी है भूल गया। तो वहाँ पर भगवान जी खेलते 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 गेंद खेलते खेलते ठाकुर जी बात कर रहे हैं, इतने में शिव जी ने ठाकुर जी से बात करना छोड़ करके एक सुंदर सी सुकुमारी कन्या को देखा। अरे पार्वती जी इतनी सुंदर है, उनके आगे त्रिभुवन की क्या शक्ति है, लेकिन भगवान जिनका मन ऑलरेडी जिस मोहन ने खींचा हुआ है, उस मन मोहन ने मोहिनी रूप धारण किया, तो शिव जी क्या करेंगे, पागलों की तरह पीछे दौड़ने लगे। और अरे रुक तो सही, रुक तो सही, रुक तो सही, वो गेंद उछालती हुई पीछे हल्के से देखती हुई, अंग प्रत्यंग उनके जो है वस्त्रों से नजर आ रहे हैं, वो पागलों की तरह उनके पीछे दौड़ रहे। वहाँ शिव जी के हृदय में विकार हुआ, उस विकार से धरती को शिव जी का अंश प्राप्त हुआ, उस अंश से जो है कार्तिकेय का जन्म हुआ, उस कार्तिकेय ने तारकासुर को माना मारा। अब आप बताइए पार्वती जी के साथ शिव जी का कैसा संबंध है? भक्ति देवी और भक्त का संबंध है ना, कहीं विचारों और विकारों का है? लोग बस, संसार के लोग पागल होके पड़े हैं, शिवलिंग को ना जाने क्या बकवास करते हैं, उसकी पीठ को ना जाने क्या बकवास करते हैं,
कि ये पार्वती है, ये शिव जी हैं, इस प्रकार से गंदे गंदे विचारों को प्रकट करते हैं। इस विषय में मैंने और जगह बोला, वैष्णवों के बीच में बोलने में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, तो मैं विषय पे वापस आता हूँ। तो भगवान की कृपा से हम लोगों को जो शिव का, पार्वती जी का जो स्वरूप का ज्ञान हुआ है, भगवान की कृपा से वैष्णव संघ में जैसा ज्ञान हुआ वैसा और कहीं भी नहीं हुआ। इसीलिए बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग कि हमें कोई भी देवी देवता की उपासना अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर कर भी रहे हैं तो इन्हें प्रणाम करके छोड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैंने एक बात अभी कुछ दिन पहले बोली थी, थोड़ी सी उसमें बात ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई, ज़्यादा जगत में फैली नहीं, उसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी फैली। मैंने बोला कि ये जो गणपति विसर्जन करते हैं, दुर्गा विसर्जन करते हैं, ये अपनी परंपरा का नाश कर रहे हैं। मुगलों ने हजार साल पहले जब आक्रमण किए थे तब उन्होंने ये बात ऐलान की थी कि अगर तुम लोग अपनी मूर्तियों को खंडन घर से नहीं करते, उसको नहीं तुम लोग फेंकते, तुम्हें कलम कर दिया जाएगा। आपको याद होगा एक एक मन जो है जनेऊ तुला जाता था, मन जनेऊ होता था, सवा मन तोला जाता था कि भाई 50 किलो, सवा मन का मतलब 50 किलो जनेऊ। अगर मोटा जनेऊ भी बंदा पहने तो एक बंदे पे कम से कम नहीं तो 300 ग्राम का सब जनेऊ हो गई होगा, मोटा हाथी जैसा बांधने के लिए। कई पहले मोटा पहनते थे, हाथ से बनाते थे, तो अगर 300 ग्राम का डिवाइड करके देख लो कितना होता है। इतने लोगों को रोज मुस्लिम बनाता था कौन? औरंगजेब। वो कैसे बनाता था कि उनकी मूर्तियों को प्रवाह कर दो, फेंक दो। तो लोग कहते थे शाहजहां हम लोग जो भी है कर देंगे, लेकिन हमें कुछ मौका दे दो, आखिरी पूजा करने दो। ठीक है, आखिरी पूजा गणपति का, गणपति के आविर्भाव के दिन विसर्जन, जाओ उसके कुछ दिनों बाद उसका विसर्जन करो, देवी का उसकी नवरात्रों के बाद। मतलब पंडितों ने अपनी बुद्धि से विसर्जन की तिथियां बनाई। वो आज कुप्रथा जो है सुप्रथा के रूप में दिखलाई दे रही। इसके ऊपर बड़ा विस्तीर्ण मेरे साथ एक संत के चर्चा हुई थी, लेकिन डर के मारे हमने डाला नहीं, कहीं हमें ना मारने आ जाए हिंदू लोग कि भाई तुम हमारी परंपराओं को नष्ट करना चाहते हो। परंपराएं हमारी नष्ट की गई, शुरू किसने की ये विसर्जन की हिंदुओं के अंदर, उनके जाने के बाद तिलक जी ने, क्या नाम था उनका, बाल गंगाधर तिलक, और उधर शंकराचार्य जी ने, वो आदि गुरु नहीं ये बीच वाले, इन्होंने शुरू की कि कम से कम इसी बहाने सब इकट्ठे तो होंगे। हिंदू अगर इकट्ठे होने लग गए इस बहाने से, गणपति पूजा करनी, सब इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ, और फिर सब इकट्ठे विसर्जन के लिए जाएंगे तो बहुत बड़ा हुजूम नजर आएगा। इसलिए उन्होंने शुरू किया कुंभ का मेला इस तरीके से। कुंभ तो आदिकाल से लगता है, लेकिन ये विशाल स्वरूप इसलिए हुआ था, उसमें बड़े बड़े अखाड़े जाते, लड़ाइयाँ झगड़े तलवारें चलाते हुए जाते, जिससे पता लगता कि हिंदू जाग चुका है। ये एक नया तरीका था, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है कि 8 दिनों बाद अब दुर्गा जी की विसर्जन किया जाएगा। अभी पीछे पहले गणेश जी का किया, फिर दुर्गा जी का, फिर उसके बाद में शिव जी का, वो जो है बनाते हैं शिवलिंग बनाते हैं उसको जो है, फिर मिट्टी का शिवलिंग बना करके उसको प्रवाह कर देते हैं। इस प्रकार से कृष्ण और राम की तो बात छोड़ ही दीजिए, उनकी मूर्तियों को कितना खंडित किया गया, इसके विषय में क्या कहूँ। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, कहने का मतलब कि हमें पूजा विसर्जन होती है, पूजा में जो उपकरण होते हैं, पूजा की वस्तु होती है, वो विसर्जन, देवता का विसर्जन कौन करता है भाई? जिस देवता को आज देव के रूप में पूज रहे हो उसको कैसे तुम विसर्जन कर सकते हो? मर गया क्या वो?
ये गलत है। तो इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं हमारे हमारे ही जो संस्थाएं हैं, मैं आरएसएस से था तो इसलिए इसकी भी गवेषणा चर्चा हुई है, लेकिन यही बोल करके चुप करा दिया गया, इस विषय में बोलो मत, कम से कम इससे हिंदू इकट्ठे तो हो रहे हैं, हिंदुओं में भेदना पैदा हो जाए, हम चुप कर गए, क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं, शुरू से सब कुछ जानते हैं, लेकिन मजबूरी है। तो इसलिए अभी नवरात्रे आ रहे हैं 2-4 दिनों में ही, कब से शुरू हो रहे हैं, 7 तारीख से शुरू हो रहे हैं। वैष्णव के लिए नवरात्रे बहुत शुभदायक हैं, जितने वैष्णव हैं इन 9 दिनों में देवियां इतनी प्रसन्न होती हैं कि आप उनसे चाहें तो ठाकुर जी श्री राधा रानी की सेवा तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या है, किसी देवी, वो जो अलग अलग देवियों का नाम, मेरे को नाम भी नहीं याद, पहली देवी, दूसरी देवी, तीसरी देवी है ना, वो घंटा पता नहीं क्या है, शैलपुत्री है, दूसरी क्या, स्कंद माता, तीसरी व्रत करने वाली बताएंगे, हाँ ऐसे ऐसे करके नवदुर्गा हैं। नवदुर्गा की उपासना करने वाले एक बहुत बड़ी कमी करते हैं, बहुत ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, वो बतला रहा हूँ, उसको याद रखिए, लोगों को बताइए, शिक्षा दीजिए, भले इस क्लिप को काट लेना। नवदुर्गा में दुर्गा जी की उपासना करने वाले बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, बहुत ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, जिसके कारण से उनके कार्य सिद्ध नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, पहले नवरात्रि से लेके 9 रात्रियों तक आपको उपवास रखना है। वैष्णवों के लिए नहीं बोल रहा हूं, जो देवी की उपासना करने वाले हैं, जो शाक्त हैं, शक्ति उपासना करते हैं, उनके लिए बोल रहा हूं। 9 दिनों तक उपवास है, आप 8 दिन तक करते हैं, 9वें दिन तोड़ देते हैं। 9वीं जो महादुर्गा है, महामाया है, उसका व्रत ही नहीं करते। जो सारी शक्तियों की आदि शक्ति हैं, उनकी उनकी तो आपने पूजा की ही नहीं, उनका तो व्रत किए ही नहीं, सिद्धि कहां से होगी। और उसके बाद 10वीं में आपको एकाहार करना है, शाम को नहीं खाना, सुबह खाना है। और एकादशी में आपने पूरा निर्जला करना है, द्वादशी को एक टाइम खाना है, तब जा करके आपके नवरात्रे पूरे होते हैं, समझ लगी। ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं। रामनवमी के समय तो स्पेशली, रामनवमी के समय स्पेशली नवरात्रे, रामनवमी के दिन लोग खोल देते हैं, कितने बड़ी मूर्खता का कार्य कर रहे हैं। नवरात्रे नवम दिवन दिवस में पूरा होता है, 9 रात्रियां पूरी होने के बाद में अगला 10वां दिन 10वीं का आएगा, तब आपने व्रत खोलना है, फिर एकादशी का व्रत करना है, तब जाके आप देखिए हम बैठे ना, आपको अनुभव हो तो बतलाइए। वैष्णवों के लिए क्या कर्तव्य है, ये मैं थोड़ा अलग से बताता हूं। वैष्णवों के लिए ये नवरात्रि जो होती है, दोनों, दीपावली वाली और रामनवमी वाले, ठीक है, इन नवरात्रों में वैष्णव लोग जब भजन करते हैं, साधन करते हैं, दीप जला करके ठाकुर जी के सामने, श्री राधा रानी के सामने, वो दीप के स्वरूप में इस संसार को चलाने वाली शक्ति विद्यमान रहती है। अखंड दीप जलाइए ठाकुर जी के सामने, जो आप संध्या वंदन, आपने नित्य आराधना गुरु जी ने दे रखी है, उस आराधना को कीजिए भगवान के सामने। आप देखिए कि 9 दिनों तक इस प्रकार से साधना करते हुए अच्छे ढंग से फलाहार कीजिए, अन्न मत खाइए, और भगवान की उपासना कीजिए। कोई देवी का आपको चित्र लगाने की कोई जरूरत नहीं। वैष्णव लोग जब इस प्रकार से करते हैं तो उनको श्री राधा रानी की, नाम प्रभु की, श्रीहरि की कृपा मिलती है। क्यों? क्योंकि देवी को आपने भगवान के सामने प्रज्वलित किया अग्नि के स्वरूप में, और देवी के माध्यम से इस संसार में रहते हुए, संसार की अधिष्ठात्री देवी के माध्यम से भगवान को नाम सुना रहे हैं, भगवान को कीर्तन सुना रहे हैं, भगवान की वंदना कर रहे हैं।
वो देवी प्रसन्न हो जाती है, और जो उधर से भगवान की कृपा मिलती है वो देवी आपको तुरंत देती है। और ज्यादा ही चतुर जो वैष्णव हैं, आपकी बुद्धि गलत जगह गई, मैं कहीं और जा रहा हूं। जो ज्यादा चतुर वैष्णव हैं वो इन नवरात्रों में या उन नवरात्रों में बहाना मिलने के कारण अष्ट सखी नौ श्री राधा रानी उनकी उपासना करते हैं। अष्ट सखी के मंत्र उनके मंत्र और गायत्री मंत्र उनके उनकी पूजा करते हुए उनकी आराधना करते हुए श्री राधा रानी की उपासना करते हैं। वो अति चतुर हैं, आप कहीं और ही फंस गए। इसलिए कहने का मेरा मतलब, पूरे विश्व में भारत सर्वश्रेष्ठ है, और भारत में जब इस प्रकार से शक्ति का चिंतन हो रहा है और आप किसी देवी की अलग से आप उपासना ना करके उमा रमा सत्या सती चंद्रा रुक्मणी राधा अवतार सवे आमनाय वाणी, वेदों की वाणी है उमा रमा सत्या उमा रमा सत्या सची चंद्र रुक्मणी राधा भजने यदि मति नाही भेला, उसके अंदर है पढ़ लेना कि सारी की सारी किस किस किन से प्रकट हुई हैं, श्री राधा जी से। तो आप राधा जी की तो उपासना कर ही सकते हैं, बहाना ही तो चाहिए स्पेशल करो, कुछ अलग से कुछ नहीं आप कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, विशेष रूप से कर रहे हैं, बस कोई कामना रख के मत करना, ये याद रखना। वैष्णव शुद्ध वैष्णव कामना रख के कभी भी भजन नहीं करते, एक ही कामना, मेरे गोविंद मेरी राधा रानी मेरे गुरुदेव कृपा करके मुझ पे प्रसन्न हो जाए, मुझे स्वीकार कर ले, ठीक है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इधर कर ले इसको, मेरी तरफ कर ले, हाँ राम हरे राम, फिर उधर ही कर रहा है, ऐसे मुंह रहना चाहिए उसके, पागल इंसान, फिर उधर कर लिया तूने, समझ नहीं आंदे बच्चे ना। ओ बेटा मुंह तो उधर ही है, इनू मुंह कहंदे है, ये इधर रहेगा मेरी तरफ, हाँ अरे देख पागल वो मुंह है वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।